अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त सी बड़ी क्विक सी रेसिपी है ये। और इसको आप बच्चों को लंच में बना के दें, लंच बॉक्स में रख के दें, वैसे दें, शाम में स्नैक्स में बना के दें। बहुत हेल्दी सा पूरा एक मील है बच्चों का ये एक तरह से। आज हम मैगी नूडल्स बनाएंगे और सॉसेजेस के साथ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया इसके अंदर और मैंने 4 सॉसेजेस इसको इस तरह से कट करके और इसमें ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे सॉसेजेस को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इसी के अंदर 2 अंडे मैंने फेंट के रखे हैं, उसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे अंडों को, ताकि अंडे भी इसी में साथ साथ पक जाएं हमारे। बहुत ज़बरदस्त सी बड़ी हेल्दी सी रेसिपी है ये। देखिए, अंडे हमारे हो गए हैं। अब मैं इसमें कैरेट ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम इसके अंदर। सब्जियाँ आप जो मर्जी आए आपके ऐड कर लें। थोड़ी सी अनियन लिए, थोड़ी थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून के करीब एक सब्ज़ी है मेरी। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट वैसे सब्जियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं खाना, तो इसमें थोड़ी सी डालेंगे ताकि उनको ग़िज़ाइत भी मिल जाए और सब्ज़ियों का टेस्ट भी आ जाए और थोड़ी हमारी रेसिपी कलरफुल सी भी हो जाए। देखें, 2 पैकेट मैंने इसमें मैगी नूडल्स के डाले हैं, 1 मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 मैं स्पाइसी पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 फ्लेवर लिए थे ताकि थोड़ा सा स्पाइस भी आ जाए और चिकन भी आ जाए। और 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना है, ड्राई बनाना है बिल्कुल हमने इसको। और इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको हम अलग अलग कर लेंगे धीरे धीरे करके। और मैगी नूडल्स तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाती हैं, तो इसी के अंदर पक जाएंगी, पानी भी खुश्क हो जाएगा। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। बस देखें, इसी में पानी में हमारे हो जाएगा इतने ही में। और हम इसको अच्छे से अलट पलट करके इसको और हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ना चलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है इसको। थोड़ी सी कुटी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एंड में, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। ये स्प्रिंग अनियन थी थोड़ी सी, इसको मैंने ऐड किया है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मैगी नूडल्स बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको सारी भरपूर ग़िज़ाइत मिलेगी। बच्चों को दें आप इसको, बहुत मज़े के, इवन हम भी खा सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी बनती है ये। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, वीडियो एटलीस्ट 2-3 मिनट वॉच किया करें, ताकि आपको नई मेरी रेसिपीज़ की अपडेट मिल सके। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सॉसेजेस विद मैगी नूडल तैयार हैं ये। और कलर देखें आप, कितने खूबसूरत से इसमें कलर आए हुए हैं, कितना ज़बरदस्त से आई कैचिंग लग रही है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।